जय हिंद दोस्तों, आज सभी किसान भाई एक बहुत गंभीर समस्या से परेशान है। वो है जो खेतों में जंगली जानवर जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि नील गाय हैं जिसे कई जगह पर रोज कह दिया जाता है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहित मुंजाल है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। आज हम एक ऐसा उपाय आप सब लोगों के सामने लेकर आए हैं जिससे आप अपने खेत को बिना कोई एक रुपया खर्च किए जंगली जानवरों से बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको कई तरह की बातें आपको इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या कई जगह तरीके से बताई जाती हैं कि आप फलानी फलानी दवाई का स्प्रे कर दो, उससे आपके खेत में नील गाय नहीं आएंगी, या फिर आपको बताया जाता है कंटीली तारों से आप खेत के चारों तरफ बाउंड्री कर दो, या फिर आपको करंट लगाने वाली मशीन, या इसके अलावा आप पटाखों के साथ गायों को भगा सकते हैं, आप घर में देसी तोप बनाकर भगा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कई तरह के उपाय बताए जाते हैं, वो सब तरीके आपको दोस्तों बताऊं मैं बिल्कुल और बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगा कि नील गाय को आप बिल्कुल जैविक तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं। आपको उपाय नंबर एक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके खेत के अंदर कभी भी नील गाय वगैरह आते हैं तो आप देखते होंगे कई जगह पर उनका मल, जो उनका गोबर होता है, आपको मिल जाएगा। उस गोबर को आपने क्या करना है, आप 20 से 25 लीटर पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें पानी डालने के बाद उसके अंदर आप गोबर को भिगो कर रख दीजिए। जो नील गाय का गोबर है, जो नील गाय का मल है, उसको आप उस बाल्टी में भिगो कर रख दीजिए। दोस्तों, उसको आपने अच्छी तरह से पीस कर भिगोना है ताकि वो अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो घोल आपका तैयार होगा उसे स्प्रे टैंक के अंदर डालकर आप खेत के चारों तरफ स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके खेत के अंदर नील गाय नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, जो उसके मल की दुर्गंध होगी वो खेत के चारों तरफ फैल जाएगी। दोस्तों, नील गाय के सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसलिए जैसे ही उसे उसकी बदबू, उसकी दुर्गंध मिलेगी तो वो आपके खेत के अंदर नहीं आएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और आसान तरीका, उपाय नंबर दो। दूसरा तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप अपने घर में ही कैसे नील गाय को दूर करने के लिए एक जैविक तरीके से घोल बना सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको उसके लिए धतूरा चाहिए, धतूरा जो कि आम आपको गांव में आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नीम चाहिए। नीम और धतूरे को आपने पत्तों को, उसके बीज को अच्छी तरह से मिलाकर पीस लेना है। पीसने के बाद अच्छी तरह से घोल बनाकर अब आपने उसका खेत के चारों तरफ, खेत की मेड़ के ऊपर स्प्रे कर देना है। उसकी खुशबू से भी नील गाय आपके खेत में नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ, दोस्तों हम देखते होंगे जैसे कि ट्रेन के दोनों तरफ जट्रोपा के, जिसे धतूरा बोल दिया जाता है, पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। उसको लगाने का केवल और केवल एक कारण होता है कि ट्रेन के दोनों तरफ धतूरे के पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि जब भी जंगली जानवर को धतूरे की खुशबू आती है तो वो उससे दूर भागता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि धतूरा और नीम को मिलाकर आप उसका एक जैविक घोल तैयार कर सकते हैं, जिसे खेत के चारों तरफ आप कर दीजिए खेत का और फसलों का, उससे आपका 20 से 25 दिन तक का बचाव हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ उपाय नंबर तीन। आपको 10 से 15 दिन पुराना छाछ, मट्ठा, लस्सी लेकर के उसके अंदर लगभग आधा किलो से एक किलो के आसपास लहसुन की कलियाँ, जो लहसुन होता है, लहसुन को अच्छी तरह से पीस कर उसमें आपने घोल लेना है, और घोलने के बाद उसको दो दिन तक, तीन दिन तक आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद उससे आपका क्या होगा, एक जैविक घोल तैयार हो जाएगा, और आप 15 लीटर की टंकी में प्रति टंकी 500 ml उस घोल को डालने के बाद जब खेत में स्प्रे करेंगे तो उससे आपको तीन फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा क्या होगा, एक तो आपके खेत को बहुत बढ़िया फंजीसाइड मिल गया, दूसरा आपके खेत को बहुत अच्छा कीटनाशक मिल गया, तीसरा उसके अंदर जो मौजूद लहसुन है, लहसुन की बदबू से नील गाय आपके खेत में नहीं आएगी। दोस्तों इसके अलावा उपाय नंबर चार आपको बताने जा रहा हूँ, आप दोस्तों जीवामृत का स्प्रे करके भी अपने खेत से नील गाय को दूर कर सकते हैं। जीवामृत कैसे बनाना है उसके हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। जीवामृत का स्प्रे करने से खेत में नील गाय नहीं आती है, इसके काफी जो प्रमाण है हमें कई किसान भाइयों ने बताया। उसका अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, क्योंकि जब भी किसी दूसरे पशु के मल मूत्र की बदबू को नील गाय सूंघेगी तो नील गाय आपके खेत के अंदर नहीं आएगी, आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके अलावा जीवामृत का स्प्रे करने से आपके खेत को, आपकी फसल को एक बहुत ही अच्छा जैविक खाद भी मिलेगा। उपाय नंबर पांच, दोस्तों मैं आपको जितने भी उपाय बता रहा हूँ ये सभी के सभी अनुभव जो किसानों ने लिए हैं, जो किसानों के प्रैक्टिकल हैं, उनके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ।
डीकम्पोजर का स्प्रे करने से भी एक तो बहुत ही बढ़िया खेत में खाद का काम करेगा आपको डीकम्पोजर, इसके अलावा आपके खेत के अंदर नील गाय को भी आने से रोकेगा। किसान भाइयों, इसके अलावा आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने खेत से दूर नील गाय को या किसी भी जंगली जानवर को रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, लगभग इतना बड़ा, लगभग 3.5 फुट का 4 फुट का डंडा लेकर आपने क्या करना है, उसे खेत के 4-5 जगह कोनों पर आपने गाड़ देना है। गाड़ने के बाद लगभग इतना बड़ा कपड़ा लेकर, रुमाल के साइज जितना कपड़ा लेकर, लगभग ऐसा कपड़ा लेकर आपने क्या करना है, उसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से बांध देना है। उसके बाद आपने एक ढक्कन के हिसाब से शाम के समय इसके ऊपर, इस कपड़े के ऊपर आपने उस फिनाइल को डाल देना है। जितने भी डंडे खेत के चारों तरफ गड़े हुए हैं उन सब डंडों के ऊपर आपने फिनाइल को डाल देना है। दोस्तों इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, जो फिनाइल आपने डालनी है वो शाम के समय डालनी है। दोस्तों क्या होता है, शाम के समय के बाद जो हवा का प्रवाह है वो काफी कम होता है, हवा की स्पीड काफी कम हो जाती है, उससे जो फिनाइल आप इस कपड़े पर डालेंगे उससे वो उड़ेगी नहीं और आपके खेत से नील गाय को भी वो दूर रखेगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का आइकॉन आ रहा है अपने सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और घंटी को जरूर दबा देना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।